हाल ही में वीवो के T1 Pro 5G स्मार्टफोन के अंदर ये अपडेट आया है जो है वीओ वाईफाई करके, ठीक है। तो उसे आप कैसे यूज़ करेंगे उस ऑप्शन को, अगर आपने अपने वीवो का T1 Pro 5G स्मार्टफोन अपडेट कर लिया है तो आपको वो ऑप्शन मिल गया होगा, उस ऑप्शन को आप कैसे यूज़ करेंगे, यानी कि आप भी जानना चाहते हैं हाउ टू यूज़ वीओ वाईफाई, ठीक है। तो आपके पास वीवो का कोई भी स्मार्टफोन हो उस ऑप्शन को आपको कैसे अनेबल करना है, कैसे यूज़ करना है, सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, ठीक है, कैसे आप उसे यूज़ करेंगे, ठीक है। तो चलिए बताते हैं। जैसे कि आप अपने मोबाइल में यहाँ पे इस तरीके से वाईफाई पे क्लिक करते होंगे तो यहाँ पे आपको सिम 1 और सिम 2 के अंदर इस तरीके से मिल जाता होगा ऑप्शन, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आप जाएंगे, ठीक है, सेव नेटवर्क के अंदर, तो यहाँ पे आपको जो भी सिम है उस पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पर आपको मिल जाएगा वाईफाई कॉलिंग, ठीक है, इस तरीके का ये देख पा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये ऑप्शन आपका अनेबल हो जाता होगा, ठीक है, जैसे कि इस तरीके से, ठीक है, ये देख पा रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से आप एक नंबर सिम पे, दो नंबर सिम पे आप वहाँ ऑन कर लीजिए दोनों पे, अगर एक सिम रखते हैं तो एक पे ऑन कर लीजिए। तो ये इसका मतलब क्या है, देखो इसका मतलब ये है कि आपका जो मोबाइल नेटवर्क होता है उससे कोई मतलब नहीं होता है, आपकी वाईफाई से ही कॉल लग जाएगी, ठीक है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पर लाइव प्रूफ करके दिखाऊँगा, जैसे मैंने इसे ऑन कर लिया है, ठीक है, ये देख पा रहे हैं यहाँ पर इस तरीके से आ रहा होगा। तो यहाँ पर मैं डॉलर पर जाऊँगा, ठीक है, सेम डॉलर है, तो यहाँ पर इस तरीके से आप कोई भी नंबर है, जैसे कि मेरा जैसे जियो का ही नंबर मैंने लगा दिया यहाँ, ठीक है, तो आप अभी देखेंगे ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हैं इस तरीके से वाईफाई का सिंबल आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये देख पा रहे हैं, ठीक है, ये देख पा रहे हैं। तो इस तरीके से ये एक अलग नेटवर्क बन जाता है, जिससे आपका नेटवर्क फ़ोन में ना आए तो इसी से आप अपने मोबाइल का कॉल कर सकते हैं, ठीक है, वाईफाई से, ठीक है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी जमीन कमेंट में बताएँ। फ़ोन फ़िलहाल मेरा वीवो का नहीं था, लेकिन आपको ये जानकारी कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताएँ।